Welcome back to my channel, or welcome if you're new here. I'm Vaishnavi and my channel is all about homemaking. In today's video, I'll be showing you my evening routine. मैं पहले इवनिंग रूटीन को इतना सीरियसली नहीं लेती थी. मुझे इनफैक्ट उसका इम्पोर्टेंस समझ में ही नहीं आया था. लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर मैंने एक अच्छा सा रूटीन नहीं रखा शाम को, तो उसका इफ़ेक्ट्स जो है वो अगले सुबह को दिखाई देगा. एंड यू नो बिकॉज वी समटाइम्स यू नो वी हैव दिस काइंड ऑफ यू कैन से लेथार्जी और एज आई सेड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. वी डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इवनिंग रूटीन. हमें ऐसे लगने लगता है कि चलो सुबह से दोपहर तक तो बहुत काम हो गया, अभी थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे. और जैसे कि मैंने कहा, हमें उसका इम्पोर्टेंस उतना पता नहीं चलता. एंड द सेम थिंग हैपन टू मी. मैनी अ टाइम्स आई यूज टू टेक इट फॉर ग्रांटेड. आई यूज टू से लेट्स रिलैक्स, लेट्स जस्ट डू समथिंग फॉर यू नो वन ओन सेल्फ एंड ऑल दैट. फिर बाद में मुझे समझ में आया कि कितना उसका असर अगले दिन पे होता है. टाइम मैनेजमेंट सब हर एस्पेक्ट बिगड़ जाता है अगले दिन के लिए. तो तब से मैंने ध्यान रखना शुरू किया और तब से मुझे समझ में आया कि इवनिंग रूटीन इक्वली इम्पॉर्टेंट है. जैसे हम मॉर्निंग रूटीन पे इतना यू नो स्ट्रेस देते हैं, इतना हम इम्पोर्टेंस देते हैं कि नहीं मॉर्निंग मुझे अच्छे से करना है, सबको टाइम टाइम पे करना है, तो मुझे लगता है कि इवनिंग भी हमको उतनी ही अटेंशन के साथ रूटीन डिज़ाइन करना चाहिए. तो यही सब मैंने ध्यान में रखा और मैंने इवनिंग रूटीन भी करना शुरू कर दिया. बहुत बार मैंने चेंज किया है ये इवनिंग रूटीन, लेकिन प्रेजेंटली ये मेरा इवनिंग रूटीन है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल होम मेकिंग रिलेटेड कंटेंट से वीडियोज़ मैं बनाती हूँ. सो इट इज़ बेसिकली रिगार्डिंग दी होम मेकिंग मोटिवेशन रिलेटेड कॉन्टेंट्स. So if you're interested in all such contents and if you're new to my channel, then please subscribe to my channel. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. My evening routine typically starts from 4 o'clock in the evening. तो 2 बजे तक मैं अपना morning to afternoon routine ख़त्म कर देती हूँ. Usually I try to wind it up by 2 o'clock, that is cleaning of the kitchen and winding up everything that is related from morning to afternoon routine. लेकिन कभी कभी 2:30 तक भी extend हो जाता है. तो basically जब मेरा वो morning का routine थोड़ा ख़त्म होता है, तो मैं अपने छोटे बेटे के साथ थोड़ी देर TV देख के हम दोनों briefly एक nap ले लेते हैं. तो ऑब्वियसली बेड स्प्रेड पूरा ख़राब हो जाता है शाम तक, तो मैं अपना इवनिंग रूटीन बेड स्प्रेड से ही करती हूँ. थोड़ा मास्टर बेडरूम को सॉर्ट आउट कर लेती हूँ. एंड रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड अ न्यू मेथड एंड दैट इज़ टू गिव हिम बाथ इन द इवनिंग इट्सेल्फ. पहले मैं उसको सुबह ही देती थी और उसके बाद हम थोड़ा वॉकिंग के लिए चले जाते थे, तो उसको थोड़ा सा कोल्ड लगने लगा. तो देन आई स्टार्टेड यू नो गिविंग हिम बाथ इन द इवनिंग इटसेल्फ. सो माय इवनिंग रूटीन टिपिकली स्टार्ट्स बाय गिविंग हिम बाथ. तो जैसे ही मैं अपने बेटे को तैयार कर देती हूँ शाम को, मैं भी तैयार हो जाती हूँ तब तक. तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ. चाय बनाने के बाद ही आई गो एंड आई गेट रेडी फॉर द इवनिंग. सो टिपिकली 4:30 तो हो ही जाता है बाय द टाइम आई गेट हिम रेडी. तो मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय बना लेती हूँ पहले. एंड आई ऑल्सो गिव अ कप ऑफ मिल्क फॉर माई यंगेस्ट सन. एंड जो मेरा बड़ा बेटा है उसको दूध उतना पसंद नहीं है, तो वो कुछ स्नैक्स ले लेता है, अपने आप पैंट्री में आके खुद ले लेता है. तो बाय 5 o'clock मैं पूरी तैयार होके पूजा रूम में पहले दिया जला देती हूँ शाम को.
because I really want some positive vibes for the evening routine, and lighting the lamp in the puja room makes a whole lot of difference. और हाँ, ये जो अगरबत्ती और लोभाना है उसको भी मैं जला देती हूँ, और हर एक कोने में, घर के कोने कोने में मैं इसको लेके जाती हूँ टू स्प्रेड द फ्रेग्रेंस. एंड इट रियली यू नो काइंड ऑफ क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब इन दिस हाउस. सो आई नेवर मिस डूइंग दिस इन द इवनिंग. इट काइंड ऑफ गिव्स मी अ लॉट ऑफ कम्फर्ट एंड इट मेक्स मी फील एज इफ आई एम हैविंग अ वेरी माइंडफुल इवनिंग रूटीन. सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माई इवनिंग रूटीन. मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी, जितना भी हो सके, जिस तरीके से भी हो सके, थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स घर में लाने की हम होम मेकर्स को हमेशा कोशिश करनी चाहिए. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेज दैट आई हैव फाउंड आउट, एंड दिस रियली एज आई सेड गिव्स मी अ वेरी माइंडफुल इवनिंग रूटीन. तो सुबह तो मैं इतनी बिजी रहती हूँ, मैं बिल्कुल भी पूजा नहीं कर पाती हूँ. तो मैंने सोचा कि क्यों ना शाम को रख लूँ. तो मैं पूजा रूम में बैठ के काफ़ी देर तक मैं जो भी मुझे मंत्र, स्तोत्र जो भी आते हैं वो सब मैं अच्छे से रिसाइट कर लेती हूँ पूजा रूम में. आपका चाहे जो भी फेथ हो, अगर आप कोई भी कॉन्सेक्रेटेड स्पेस में अपने घर में आप बैठ के थोड़ी देर उस क्रिएटर को आप अगर याद करें और एक शांत मन से बैठ के कुछ पूजा करें, तो सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता है रूटीन में. श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः. तो जब तक मैं पूजा खत्म कर लेती हूँ तो 6 बज जाते हैं, और 6 बजे से मैं अपने छोटे बेटे के साथ उसके जो भी डेली असाइनमेंट्स रहते हैं उसके लिए मैं बैठ जाती हूँ उसके साथ. एंड बिटवीन 5 to 6, दैट इज़ व्हेन आई डू माय पूजा, माय मेडिटेशन. माय हस्बैंड इज़ वेरी जेनरस इनफ टू टेक माय यंगेस्ट सन फॉर दी प्ले एरिया. तो दोनों प्ले एरिया जाके 6 बजे तक वापस आ जाते हैं, क्योंकि 6 बजे को उसको अपने असाइनमेंट्स पूरे करने होते हैं. तो ऑलमोस्ट टिल 7 o'clock वी फिनिश अवर असाइनमेंट, एंड दैट इज़ व्हेन आई हैव टू टेक अप माय किचन ड्यूटीज़ फॉर द इवनिंग. तो 7 बजे तक मैं किचन में आके अपना सारा जो इवनिंग का काम है वो संभाल लेती हूँ. पहले तो मैं सारे जो भी वेसल्स दोपहर के जो मैंने धो के रखे हैं उसको एक ट्रे में रख लेती हूँ, ताकि काउंटर टॉप्स बहुत मेसी ना लगे. मुझे जब भी खाना पकाना होता है, आई मेक श्योर दैट द काउंटर टॉप्स आर ऑलवेज वेरी क्लीन एंड यू नो द किचन लुक्स वेरी वेलकमिंग. तो जो भी काम रहते हैं मैं अच्छे से पहले उसका जो भी प्री प्रिपरेशन है पहले कर लेती हूँ. और हमारे डिनर के लिए हम चारों लोगों का डिफरेंट ही होता है प्रेफरेंसेस. लाइक माय हस्बैंड प्रेफर्स वेरी लाइट मील्स फॉर द डिनर, लाइक समथिंग लाइक मिलेट्स. तो मैं उनके लिए यूजुअली मिलेट्स की खिचड़ी बना देती हूँ. मैं और मेरा जो बड़ा बेटा है, हम दोनों जो दोपहर में बना रहता है जो चपाती और सब्जी जो बचा रहता है, हम दोनों वही खा लेते हैं रात को, क्योंकि वी डोंट प्रिफर एनीथिंग मोर देन दैट एंड वी आर जस्ट हैप्पी विथ आवर चपाती सब्जी. और जो मेरा छोटा बेटा है उसके प्रेफरेंसेस बहुत ही अलग होते हैं हर रोज़. कभी कभी डिनर के लिए उसको सैंडविच भी पसंद आ जाता है. तो हम चारों के डिफरेंट होते हैं प्रेफरेंसेस. तो मैं पहले सब कुछ तैयार कर लेती हूँ डिनर हर एक के लिए, एंड वी ऑल यूजुअली हैव इट टुगेदर.
लेकिन कभी कभी अगर मेरे हस्बैंड के कुछ मीटिंग्स है तो हम तीनों ही बैठते हैं और वो अपना मीटिंग में ही अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं। फिर जो रात को ऑलमोस्ट 8:30 हो जाता है हमारा पूरा डिनर सब ख़त्म होते होते, तो 8:30 को जो है मैं पूरा अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो जो भी डिनर में कुकिंग में हो या फिर खाने में हो, जो भी वेसल्स होते हैं पहले मैं उनको धो के रख लेती हूँ। एंड आई यूजुअली ट्राई टू कम्प्लीट इट वेरी फास्ट, लाइक यू नो बाई 9 o'clock आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू क्लीन द किचन, वाइंड इट अप कम्प्लीटली। और एक बात है कि मुझे अपना किचन बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए जब मैं सोने जाती हूँ, क्योंकि अगले दिन जब मैं उठती हूँ मुझे बहुत ही क्लीन किचन बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज इट रियली बिल्ड्स अप माई डे फॉर द नेक्स्ट डे, आई फील सो रिफ्रेश्ड। तो इसलिए मैं ये बहुत ख़ास ध्यान रखती हूँ कि मैं सोने से पहले पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और जो भी वेसल्स है वो सब धो के रख लेती हूँ। एंड सिंस आई डू नॉट हैव अ मेड, तो वेसल्स के लिए मैं कहीं बाहर नहीं रख सकती या फिर कुछ ऐसा, यू नो आई डोंट हैव एनी सच थिंग्स दैट द काउंटर टॉप स्टेज यू नो क्लीन एंड आई डोंट हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। सो आई हैव टू वॉश द वेसल्स इन द सिंक दैट नाइट इटसेल्फ। अगर मैंने ये पेंडिंग रख लिया तो अगले दिन में बहुत ही मुझे प्रॉब्लम होता है, तो आई मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ क्लीन बिफोर आई गो टू स्लीप। एंड वन आई एम डूइंग दिस क्लीनिंग ऑफ द किचन एंड वाइंडिंग अप ऑफ द किचन, माई हस्बैंड यूजुअली टेक्स माई यंगर सन फॉर दी यू नो फॉर द बेड टाइम। वो उसके लिए एक बेड टाइम स्टोरी सुना के उसको अच्छे से सुला देते हैं। और जो मेरा बड़ा बेटा है, जब तक मैं किचन को सब वाइंड अप करके आती हूँ तब तक वो और एक 1 hour अच्छे से पढ़ाई कर लेता है और वो अपने रूम में आराम से सोता है अपने आप। तो जो छोटे बेटे के लिए है तो उसके लिए थोड़ा सा बेड टाइम स्टोरी सब सुनाना पड़ता है। तो इन दैट वे माई हस्बैंड रियली इज़ वेरी जेनरस इनफ टू हेल्प मी आउट एंड ही टेक्स केयर ऑफ आवर यंगर सन एट दैट टाइम। तो तब तक मैं किचन को अच्छे से आराम से पीसफुली पूरा क्लीन करके ही मैं सोती हूँ। एंड ऑल्सो व्हेन आई क्लीन द सिंक आई मेक श्योर दैट आई पुट इन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल। मेरे पास जो भी कलेक्शन है उस दिन मुझे जो एसेंशियल ऑयल पसंद आता है बस मैं वो एक लेके अच्छे से मैं सिंक में एसेंशियल ऑयल डाल के ही यू नो दैट इज़ व्हेन आई रियली फील कि मेरा किचन क्लीन हो गया है। एंड व्हेन आई कम डाउन द नेक्स्ट मॉर्निंग आई शुड रियली बी एबल टू गेट दैट फ्रेग्रेंस ऑफ द एसेंशियल ऑयल और ना कि कुछ और कोई यू नो काइंड ऑफ स्मेल। तो आई मेक श्योर दैट द सिंक इज़ ऑलवेज क्लीन बिफोर आई गो टू स्लीप। आई क्लीन द काउंटर टॉप्स वेरी वेल, इवन द कुक टॉप I clean it very well। और उस दिन मैंने ये वाला essential oil लगाया था vanilla का, बहुत ही अच्छा fragrance आता है। And this is how I really complete my evening routine। As I said, I want my evening routines to be very positive and it should really be, you know, very mindful। तो almost 8:54ish, you know, almost 9 o'clock तक तो मेरा complete हो ही जाता है पूरा kitchen का जो wind up मुझे करना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक बहुत ही क्लीन किचन को मैं छोड़ के अभी सोने के लिए जा रही हूँ। तो दिस काइंड ऑफ पीस ऑफ माइंड विल बी देयर ओनली व्हेन वी प्लान सर्टेन थिंग्स, व्हेन वी मैनेज आवर रूटीन्स। मुझे बहुत मज़ा आया इस रूटीन को शूट करते हुए और एडिट करते हुए। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला होगा। So until next time, happy homemaking and thanks for watching the video।